please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूर्वोत्तर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिपुरा और नागालैंड में जीत के बाद आज पूरे देश में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी की धमाकेदार जीत और नागालैंड में पार्टी गठबंधन की जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई अगुवाई का कमाल है। अमित शाह ने ट्वीट किया है और लिखा कि उत्तर पूर्व में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बीजेपी कार्यकर्ता आज सुबह 11 बजे से देश भर में विजय उत्सव मनाएंगे। अभी आना बाकी है गोल्डन पीरियड, ऐसा 2014 में भी पूछते थे तब भी मैं कहता था, यूपी में भी पूछा था तब भी मैं कहता हूँ। उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी है। ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, उड़ीसा में, बंगाल में और केरल, तीनों में बनेगी सरकार और कर्नाटक तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं मानता हूं ये तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले कर्नाटक और 2019 के चुनाव के परिणाम के द्योतक है, उसके परिचायक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के आसपास कुछ लोग बर्फबारी के बीच चलते दिखाई दिए। बीते दो दिन से वहां बर्फबारी और बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई। हालांकि बाहर से मनाली और रोहतांग पहुंचे सैलानी बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। कई जगह पर तो लोग बर्फीले इलाकों में बनाए जाने वाले मकान इग्लू में भी रह रहे हैं। बर्फबारी के साथ ही इस इलाके में बारिश भी हो रही है जिसने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। ठंड काफी हो गई है, बल्कि इवन परसों शायद माइनस में भी टेम्परेचर गया था एक दो दिन पहले, पर आज भी काफी ठंड है। आज -7 डिग्री है, हमने नोट किया था। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, आधा घूम चुके हैं और आधा घूमने का बाकी है ड्यू टू द वेदर कंडीशन। बताया जा रहा है कि रोहतांग और आसपास के इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। वहीं कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोग फंस गए हैं। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर ही घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने त्रिपुरा और नागालैंड में मिली हार के लिए तीनों राज्यों के प्रभारी सीपी जोशी को जिम्मेदार माना है। आलोक शर्मा ने सीपी जोशी से पूछा कि वो बताएं कि कांग्रेस की ये हालत क्यों हुई। नागालैंड में 10 विधायकों से कांग्रेस जीरो पर कैसे आ गई। हालांकि आलोक शर्मा ने माना कि राहुल गांधी इस तरह की कमियों को दूर कर देंगे। स्वाभाविक तौर पर इंचार्ज जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों हुई। 10 विधायक थे तो 10 से हम जीरो पर क्यों आए, या किस तरह से कहां कहां नागालैंड में कमी रही कि नागालैंड में हमारे जो विधायक थे वो पहले टूटकर चले गए। सेम एक मोडस ऑपरेंडी पर अगर लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ की प्रदेश की यूनिट भी और सेंट्रल यूनिट में सीपी जोशी साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वहाँ के, दोनों के लिए एक विचारणीय विषय है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान बंटवारे पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्ना दोनों मुल्कों का बंटवारा नहीं चाहते थे। जम्मू में चैंबर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जिन्ना पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की शर्त पर वो मुल्क को एक रखने पर राजी थे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक इस मामले में ब्रिटिश कमीशन की बात नेहरू और पटेल ने नहीं मानी, जिसके बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि अगर जिन्ना की मांग मान ली गई होती तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। कमीशन आया आज न्यू रिकॉर्ड्स पे, उसमें यह फैसला किया गया कि हम हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी जो हैं सिख हैं बाकी हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन रखेंगे, मगर मुल्क को डिवाइड नहीं करेंगे। जिन्ना ने मारा मगर जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल ने नहीं मारा। जब ये नहीं हुआ तो जिन्ना ने फिर से पाकिस्तान मांगने की बात। त्रिपुरा और नागालैंड में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अमित शाह की तुलना करते हुए कहा कि एक दल का अध्यक्ष एक के बाद एक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे दल का अध्यक्ष पद में बड़ा और कद में छोटा होता जा रहा है।
झारखंड के चाईबासा चक्रधरपुर एनएच 75 पर एक तेज रफ्तार से जा रही कार से 15 लोगों को रौंद दिया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये सभी लोग शादी समारोह के समय सड़क किनारे पूजा कर रहे थे, तभी हाईवे पर तेज गति से आ रही कार ने उन लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद पीड़ितों के घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार चक्रधरपुर के ट्रांसपोर्टर प्रदीप अग्रवाल का बेटा सौरभ अग्रवाल चला रहा था, जिसे गांव वालों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं झारखंड में इस हादसे पर राजनीति भी होने लगी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में होमवर्क नहीं करने पर एक टीचर पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। रतलाम के जावरा में पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि सेंट पीटर स्कूल में होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने उसके बच्चे की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने मामले में महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि महिला टीचर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत करते दिखाई दिए। पीएम मोदी यहां कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव में मिली कामयाबी के जश्न में शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर स्वागत किया। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री को फूलों की बड़ी सी माला पहनाई। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों खासकर त्रिपुरा में मिली बड़ी जीत का कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने त्रिपुरा की जीत की अहमियत बताई कि नो वन से वन की यात्रा, नो वन NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में जीत के लिए जहां कार्यकर्ताओं को बधाई दी, वहीं लेफ्ट पर भी जमकर हमला बोला। सूरज जब ढलता है लाल रंग का होता है, और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर लेफ्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप लगाया और मारे गए कार्यकर्ताओं को कुछ देर मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मिली चुनावी कामयाबी को बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रही है, और इसीलिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्वोत्तर में मिली जीत के बाद अगले विधानसभा चुनावों में भी जीत का दावा किया। कर्नाटक तो जिताएंगे ही जिताएंगे, इसके बाद केरल, ओडिशा, बंगाल और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का विजय का रास्ता प्रशस्त करेंगे। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में मिली जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया और दावा किया कि जनता ने विकास के मुद्दे पर बीजेपी को चुना है, लेकिन दूसरी ओर लेफ्ट ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में बीजेपी ने चुनाव में धनबल का इस्तेमाल किया। बहुत कुछ पैसा और बहुत कुछ वहां पर ये जो ट्राइबल एक्सट्रीमिस्ट संगठनों के साथ मिलजुल कर पूरे जितने भी वामपंथी विरोधी दल और ताकतें हैं सबको इकट्ठा करने में बीजेपी को कामयाबी मिली। सीपीएम ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। त्रिपुरा और नागालैंड में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस की हार तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वार किया। पीएम ने कहा कि पंजाब में ना तो कांग्रेस कैप्टन को अपना मानती है और ना ही कैप्टन कांग्रेस को अपना मानते हैं, वो एक आजाद फौजी की तरह है। मैंने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में समाप्त हो जाओगे, आप कर्नाटक में भी समाप्त हो जाओगे, और पंजाब तो न ये उनको अपना मानते हैं न वो इनको अपना मानते हैं। वो स्वतंत्र फौजी है। कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन पीएम के इस बार पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम इस तरह के बयान देकर उनके और कांग्रेस के बीच दरार पैदा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब देते हुए कैप्टन ने ट्वीट किया, आपको ऐसा किसने बताया पीएम मोदी जी, मैंने तो नहीं बताया। क्या कांग्रेस आलाकमान ने आपसे मेरी शिकायत की? खैर छोड़िए, मैं ये साफ कर दूं कि ऐसे बेतुके बयान मेरे और मेरी पार्टी के बीच दरार पैदा करने में आपकी मदद नहीं कर सकते। मुझे अपनी पार्टी और नेता में पूरा भरोसा है और उनको मुझ पर।